पे जूस शॉप में है, यहाँ पे मिल रहा है रोज सिरप, ब्लूबेरी सिरप, लाइम सिरप और ये है सेंडोल ड्रिंक। यहाँ के ड्रिंक्स बहुत अच्छे होते हैं। ये है, ये शॉप बहुत बजट फ्रेंडली भी है और हमें यहाँ पे शुगर केन जूस विदाउट आइस बहुत पसंद है। हम पहले भी आए हैं। दिस इज कॉल्ड मायास चाय हॉट एंड कूल ड्रिंक्स। शॉप नंबर है 01246 इन टिक्का सेंटर। और यहाँ पे आओ और ड्रिंक्स इंजॉय करो। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड शॉप, आई रियली लव इट। ये रहा शुगर केन, तो इनका फ्रेश शुगर केन है। शॉप भी बहुत अच्छी है। अभी टिक्का सेंटर बहुत रिनोवेट हुआ है तो न्यू शॉप्स और क्लीन है। यहाँ पे इनकी शुगर की मशीन है, ये मशीन शुगर केन जूस की है, जहाँ से आपको मिलता है मस्त मेरा शुगर केन का जूस। यहाँ पे देखो कितना लार्ज भी मिलता है और फ्रेश शुगर केन उन्होंने हमारे सामने ग्राइंड करके निकाला है। दैट्स सो कूल। और यहाँ पे इडली वड़ा पूरी सेट, ये सब भी अगर किसी को खाना है सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। सब कुछ मस्त ही होता है। इफ यू वांट टू ईट चटनी इडली खा लो। और शुगर केन जूस ना मेरी शुगर क्रेविंग्स को पूरा वो कंप्लीट करता है। और ये एक्चुअली हमने विदाउट आइस लिया है, यूजली ये वैसे ठंडा है और नो आइस और विदाउट आइस का मैं ले लेती हूँ ना तो ठंड भी नहीं लगती, गला भी नहीं ख़राब होता, हल्का सा ठंडा है ये और टेस्टी बहुत होता है ये। तो मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो हमेशा मैं टिक्का सेंटर से ये जूस जरूर लेती हूँ। मैंने दूसरे हॉकर्स भी ट्राई किए हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर क्वालिटी है, जो भी इनका शुगर केन है, प्रोसेस है, वॉट एवर इट इज़। और आज है सैटरडे तो मार्केट में है बहुत भीड़, लेकिन आज ही वीकेंड को ही टाइम मिलता है फैमिली के साथ आने का। तो मैं यहाँ पे दीपावली एक्चुअली दिवाली फेस्टिव बाज़ार, तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, पर मैं अभी वहाँ नहीं जा रही हूँ, वहाँ हम बाद में जाएंगे। दिवाली की डेकोरेशन है, आप मेरे ब्लॉग्स में देखते रहते होगे। सिंगापुर में हम जा रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी शॉप, तो हम सीधे वहाँ पे जाएंगे क्योंकि काम ही नहीं ख़त्म होती है। कल तो संडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। आज सैटरडे है पर आज भी कम भीड़ नहीं है बिकॉज टुमारो इज़ नवरात्रि और नवरात्रि प्रिपरेशन के लिए पूरी दुनिया बाहर आई हुई है। अभी मेरे को फ्लावर्स वगैरह भी लेने हैं जो मैं बाद में लूँगी, पर यू गाइस कैन सी आई एम वॉकिंग अराउंड। ये अच्छी लग रही है आपको? मुझे भी अच्छी लग रही है ना? ये उससे बेटर है, इसमें जो कट है ना ये वाला, उसकी वजह से आई वांट चेक दिस वन, शाइन इसमें भी बहुत है। हाँ ये लेकिन डबल है, ओके। हाँ ये ट्रेड ये हमारा पनीर काठी रोल्स। मेरे को बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी रोल की, तो वी आर हैविंग दिस फॉर स्नैक। बहुत यम्मी लग रहा है। वी आर इन नालन रेस्टोरेंट, ये न्यू रेस्टोरेंट खुला है लिटिल इंडिया में और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फ्रेश बना के लाए हैं। और अनिका भी इंजॉय कर रही है, उसको अभी अभी टॉय हमने मंगाया था पनीर चिली जो बहुत डिलीशियस लग रहे हैं और गार्लिक नान। अनिका अपने टॉयज दिखाना चाहती है। तो ये शाम का टाइम है। आई जस्ट वांट टू शो यू कि कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। यहाँ पे लाइट्स ऑन हो गई हैं, दीज आर दीपावली डेकोरेशन। जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि सिंगापुर में लाइट अप कैसे होता है। ये दीपावली लाइट अप है। ये सब ऐसे यहाँ पे कपड़े की शॉप होती है जहाँ पे यू कैन बाय सारीज। नवरात्रि की वजह से काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो सब कुछ मिलता है यहाँ पे, सिल्क के आइटम, साड़ी, सूट, बच्चों के कपड़े एंड स्टफ लाइक। दीपावली मार्केट बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो अभी यहाँ पे नवरात्रि की वजह से भी अभी भीड़ हो रखी है। बट यू गेट ऑल पूजा पाठ का सामान और क्राउडेड भी रहता है, फूल वगैरह यहाँ पे मिल जा रहे हैं सारे हैं। तो मैंने अभी अभी पूजा का सामान लिया है ज्योति स्टोर से। यहाँ पे भीड़ है आज काफ़ी, पर ठीक है, कल बहुत ज़्यादा होगी। संडे को कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है, सैटरडे है तो इट्स मैनेजेबल। और इतना फेस्टिव वाइब आ रखी है ना, एक्चुअली भीड़ में भी मज़ा ही आता है मेरे को तो पर हाँ हमारे साथ अनिका है, इफ़ आई हैव नॉट शोन येट, तो अनिका थोड़ा ज़्यादा बिजी रखती है। यहाँ
यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है और यहाँ पे इंडियन हेरिटेज सेंटर में भी परफॉर्मेंस हो रही है, यू कैन कम डाउन एंड सी दैट। अनिका को एक बैलून भी मिल गया सिंडा से, सिंगापुर इंडियन एसोसिएशन से, एंड शी इज़ हैप्पी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फेस्टिव मार्केट से, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी फ्लावर शॉप्स देखो कितने सुंदर होते हैं। मैंने अभी अभी यहाँ से गेंदे और गुलाब के फूल लिए हैं, ये देखो वाइट और रेड मिक्स फ्लावर है ना, डिफरेंट टाइप के रोजेस हैं ये, और ये ऑरेंज वाले गेंदे हैं। तो ऑलमोस्ट डन शॉपिंग फॉर नवरात्रि, यहाँ पे फूल भर भर के हैं। हम मार्केट में भी ऑलमोस्ट शॉप्स ख़त्म हो गए, मैंने और माला वगैरह जो भी मुझे लास्ट मोमेंट सामान है सब ले लिया है, एंड कल से नवरात्रि है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। अब रात भी हो गई है एक्चुअली, तो रात हो गई है तो मार्केट थोड़ा खाली भी हो गया है, पर मुझे ना ये, आप अगर मेरे व्लॉग्स देखते होगे तो आप देखते होगे कि मैं लिटिल इंडिया काफ़ी आती हूँ। वो इसलिए भी आती हूँ क्योंकि ना मुझे अपने देश की वाइब आती है यहाँ पे ना, तो मुझे यहाँ पे, अरे लहसुन देखा है आपने कभी? ये देखो लहसुन, अरे आपने कभी लहसुन देखा है? आज देखा, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने किसी को देखा था कोई लहसुन के लड्डू बना रहा था, मैंने आपको बताया भी था, ये कूल है ना, कितना कूल है लहसुन, उसके साथ पराठे बन सकते हैं, उसके प्याज जैसे ही है, जैसे प्याज मिलता है।